ठीक है, ये क्वेश्चन हम दोबारा एक और करने लगे हैं उसके लिए। कहते हैं केएक्सपी कंपनी इज अ ई बिजनेस विच ट्रेड सोलली ओवर द इंटरनेट, यानी अकेली कंपनी है जो से इंटरनेट पे काम करती है। इन द लास्ट, हाँ अपने पास निकाल के रखो एग्जाम पैक में जिस उसके पास है। कहता है इन द लास्ट ईयर द कंपनी हैड सेल्स ऑफ 15 मिलियन, ऑल सेल्स वर 30 डेज क्रेडिट टू द कमर्शियल कस्टमर्स। अब ये क्रेडिट सेल्स कितनी बात कर रहा है, 15 मिलियन, सारी की सारी क्रेडिट सेल्स हैं, ठीक है। फिर कहता है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी मोस्ट रिसेंट, ये उसने एक्सट्रैक्ट्स बताए हुए हैं वर्किंग कैपिटल्स के, ठीक है। कहता है ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास कितने हैं, 2466। ट्रेड पेबल्स ये हैं, ओवरड्राफ्ट उसने ये बोला हुआ है, ठीक है। हमारा काम किसके साथ है, रिसीवेबल्स के साथ है, ठीक है। फिर कहता है इन ऑर्डर टू एनकरेज कस्टमर टू पे ऑन टाइम, के एक्सपी कंपनी प्रपोज इंट्रोड्यूसिंग अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 1% टू द पेमेंट इन 30 डेज, ठीक है, वाइल इंक्रीजिंग इट्स नॉर्मल क्रेडिट पीरियड टू 45 डेज। यानी कि जो उनसे नॉर्मल 1% जिसको डिस्काउंट मिलेगा ना, वो 30 डेज के अंदर पे करेगा, जो 30 डेज के अंदर पे करेगा उसको 1% डिस्काउंट मिलेगा, और बाकी जो उनसे है वो नॉर्मल पीरियड 45 डेज के अंदर ही देंगे, ठीक है। फिर कहता है इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑन एवरेज, एवरेज में ना 50% ऑफ कस्टमर विल टेक डिस्काउंट, 50% जो उनसे क्रेडिट सेल्स का वो 30 दिन के अंदर पे करके दे ले लेंगे, 30 दिन जो उनसे हैं वो 30% कस्टमर जो उनसे हैं वो 45 डेज में देंगे, ठीक है, और 20% जो उनसे हैं विल नॉट चेंज देयर करंट पेइंग बिहेवियर, यानी वो अपनी मर्जी से ही आपको जब मर्जी दिल करे आपको दे देगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने बैंक में निकाल लो या पिक्चर ले लो, मैं इसको मूव करके ना उधर जाने लगा हूँ एक्सेल की शीट के ऊपर, ठीक है, एक्सेल की शीट के ऊपर जाने लगा हूँ मैं। चलें ले लिए आपने पिक्चर वगैरह, चलो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वैसे आप लोग भी कर सकते हो लेकिन मैं करवाता हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं। चलो यहाँ पे अब मैं करने लगा केएक्सपी क्वेश्चन, केएक्सपी, ठीक है, पार्ट वन, ठीक है। अब क्या निकालना है, नेट बेनिफिट या नेट कॉस्ट निकालनी है, ऐसे ही है, ठीक है। तो यहां पे हम एक बनाएंगे करंट पॉलिसी का, यहां पे बनाएंगे हम करंट पॉलिसी, और यहां पे हम बनाएंगे प्रपोज्ड, ठीक हो गया करंट में। मैंने आपको वो जहाँ पे फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, ये जहाँ पे मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपने क्या निकालना होता है, फिनांस कॉस्ट निकालनी होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि करंट पॉलिसी के थ्रू अभी रिसीवेबल्स हमारे पास कितने हैं, क्वेश्चन में कितने रिसीवेबल्स दिए हुए हमें, हाँ जी 24 करंट कितने दिए हुए हैं, 244 2466, ऐसे ही है, या खाली रिसीवेबल्स लिख लो, करंट के अंदर आपके पास रिसीवेबल्स इतने आते हैं, ठीक हो गया। अब प्रपोज का निकालना थोड़ा सा औखा है, ठीक है, यहाँ पे तो उसने रिसीवेबल्स खुद कैलकुलेट करके दे दिए हुए हैं, प्रपोज का निकालना थोड़ा सा औखा है। रिसीवेबल्स मैंने आपको बताया कि, अच्छा रुको मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, करंट फाइनेंस कॉस्ट, रुको यहाँ पे करंट फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेट बेनिफिट और
अब उसने कहीं भी बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर के कितने परसेंट जो उनसे है वो कंपनी का ऑडी कॉस्ट है फाइनेंस कितने परसेंट करती है वो क्वेश्चन बैंक खोला मैंने आप लोगों ने अपने पास उसमें बताओ कि उसने कहां पे कितने परसेंट बोला हुआ है कि जो उनसे फाइनेंस कॉस्ट लास्ट में उसने बोला होगा 6% नजर आया आप लोगों को हाँ जी 6% अभी कितनी पड़ी है 2466 मल्टीप्लाई बाय 0.06% हाँ जी ये समझ आ गई करंट फाइनेंस कॉस्ट कितनी पड़ी है उसको अपर पोस्ट में आ जाते हैं अपर पोस्ट के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी वर्किंग करनी पड़ेगी ठीक है अपर पोस्ट के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी वर्किंग ठीक है नीचे आ जाओ यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे लिखो वर्किंग वर्किंग ठीक है वर्किंग्स में अब मुझे बताओ उसने बोला है कि तीन तरह के डिस्काउंट आप दे रहे हो ऐसा ही है तीन किस्म के लोग आपको पैसे दे रहे हैं एक एक किस्म के लोग दे रहे हैं आपको 30 ठीक है जो उनसे डिस्काउंट ले रहे हैं कुछ 45 दिनों के अंदर दे रहे हैं कुछ अपना बिहेवियर ही नहीं चेंज कर रहे वो कितने दिनों में दे रहे हैं हमें 60 डेज में लिखा हुआ है उसने कहीं पे देखो ये देखो करंट रिसीवेबल्स कैसे आते हैं करंट डेज कैसे आएंगे हमारे पास एक्चुअल डेज निकालने हैं मैंने आपको बोला था ना आपने एक्चुअल डेज भी निकालने हैं और एक्चुअल रिसीवेबल्स भी निकालने हैं ऐसा ही बोला ना मैंने कल मैंने बोला था ना कि एक्चुअल डेज निकालने हैं और एक्चुअल ऐसा ही है तो मुझे बताओ मैंने आपको बताया था ना कि रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या होता है रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय हाँ ले लो आप ले लो मैं उतनी देर रिकॉर्डिंग चल रही है आप रिकॉर्डिंग से बाद में सुन लेना अच्छा तो उससे क्या पता लग जाएगा हमें एक्चुअल डेज ठीक है तो रिसीवेबल्स हमारे पास कितने हैं रिसीवेबल्स हमारे पास कितने हैं अभी मुझे ये बताओ रिसीवेबल्स हमारे पास कितने हैं करंट 2466 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स करनी है क्रेडिट सेल्स कितनी है हमारे पास 15,000 या 1500 15,000 ठीक है मल्टीप्लाई बाय उसने बोला कितने दिन लेने हैं हमने डेज उसने बोला वह कितने लेने हैं 365 तो हमारे पास एक्चुअल डेज कितने आ गए 60 एक्चुअल डेज कितने आ गए 60 कल वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि आपने क्रेडिट सेल्स पहली लाइन में लिखा हुआ है उसने पहली लाइन देखो आप क्वेश्चन की कल मैंने आपको बोला था कि आपने एक्चुअल डेज भी निकालने पड़ेंगे और एक्चुअल रिसीवेबल्स भी निकालने पड़ेंगे आपको खुद हाँ जी समझ आ गई यहां तक बात जी जी क्रेडिट सेल्स पहली लाइन में लिखी हुई है कि एक्सपी कंपनी इज अ बी ई बिजनेस वन टाइम सॉल्यूशन क्या शादी आपको यहां तक समझ आ गई है 60 डेज कैसे आए हैं आप क्या कह रही है शबुना
हाँ रिसीवेबल डेज क्या? एक्चुअल डेज आपको पता लग गया 60 है, ठीक है। अब चलते हैं उसके ऊपर, प्रपोज पॉलिसी के अंदर हम चलते हैं, ठीक है। करंट फाइनेंस कॉस्ट 147 थी, प्रपोज में चलते हैं। प्रपोज में कहता है कि हमारे पास जो उनसे है, जो उनसे डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, डिस्काउंट अवेल कस्टमर्स, डिस्काउंट अवेल जो उनसे कस्टमर्स हैं वो कितना, वो कौन से हैं डिस्काउंट उनसे अवेल कर रहे हैं कस्टमर्स, 30 डेज के अंदर पे कर रहे हैं ना, वो क्रेडिट सेल्स का कर रहे हैं ना 15 मिलियन का। तो क्या करूंगा मैं, इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, वो जो उनसे आपने फाइनेंस कॉस्ट निकालनी होती है ऐसे ही है, इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितने कितने परसेंट ले रहे हैं डिस्काउंट, कितने परसेंट ले रहे हैं लोग डिस्काउंट, 50%, शाबाश 50, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई बाय कितने डेज में वो पेमेंट कर रहे हैं, कितने डे में वो पेमेंट कर रहे हैं, 30 डिवाइडेड बाय 360, मल्टीप्लाई बाय 0.0 कितने परसेंट था, कॉस्ट कितनी थी, 6%। क्या कह रहे हो, रिसीवेबल पे डिस्काउंट नहीं, तो रिसीव फॉर्मूला यार निकालो, फॉर्मूला कहाँ पे गिवन है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया नहीं है, आपको हद करते हो यार आप लोग, वो फॉर्मूला खोल के देखो जरा, कल मैंने आपको पढ़ाया था, नोट किया है आप लोगों ने फॉर्मूले को, फॉर्मूला निकालो वहां पे क्या लिखा हुआ है। तो यहां पे भी मैं रिसीवर्स हूं, यहां पे एक तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, ऊपर से आप क्वेश्चन पूछी जा रहे हो यार। देखो आपको मैंने वो नोट करवाया, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल 360 इनटू ओडी कॉस्ट, नेक्स्ट में वो क्या कहता है कि हमारे पास जो उनसे अगले कस्टमर हैं जो उनसे वो क्या करेंगे नॉर्मल, वो 45 डेज लेंगे, ठीक है। तो 15,000 इनटू कितने कितने परसेंट लोग थे वो, फोर्टी फाइव डेज में कितने परसेंट लोग लेंगे, 30% ना, 30%, 30% लोग थे जो उनसे 45 डेज में पे करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितने दिन में वो लेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 365, मल्टीप्लाई बाय 0.06%, इनकी फाइनेंस कॉस्ट कितनी आ जाएगी, क्या गलत कर दिया मैंने, 33 पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल। और लास्ट में कौन से आ जाते हैं, डीट वाले लोग जिन्होंने देने ही 60 दिनों में ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग, रिमेनिंग रिमेनिंग कस्टमर्स, ठीक है। रिमेनिंग में क्या करेंगे हम, 20% रिमेनिंग के 15,000 के, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय ये कितने दिन में दे रहे हैं, 60 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 की फाइनेंस कॉस्ट के साथ। तो टोटल मुझे बताओ फाइनेंस कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल फाइनेंस कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितने आ रहे हैं, 101। पहले कितनी आ रही थी, 147.96, अब कितनी आ रही है फाइनेंस कॉस्ट, 101, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसका रेफरेंस दे दूंगा, मेरे पास अब कितनी कॉस्ट आ रही है, फाइनेंस कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो ये मुझे बताओ, पहले 147 की कॉस्ट पड़ रही थी, अब कितनी पड़ रही है, 101 की, ये मेरे लिए बेनिफिट है या नुकसान है,
बेनिफिट है, शाबाश 46.5 का। अब ये तो हमारे पास बेनिफिट हो गया। दूसरी उसने बात की हुई थी डिस्काउंट की, ऐसा ही है डिस्काउंट की। डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, कॉस्ट होती है, ऐसा ही है। डिस्काउंट पे आ जाओ, डिस्काउंट वो करंट में कितना देता था, जीरो, कोई भी नहीं देता था, ऐसा ही है। लेकिन प्रपोज में कितना देगा वो, प्रपोज में वो कितना डिस्काउंट देगा, वन परसेंट, शाबाश 15,000। अवेल कौन करेंगे, 50% कस्टमर्स मल्टीप्लाई बाय 1%, 1% क्या वैल्यू आ जाती है, 75। हाँ जी हाँ जी बताओ, यार मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट हम रिसीवेबल्स बंदों को देते हैं या सेल्स के ऊपर देते हैं, हम डिस्काउंट किस चीज पे देते हैं, हम रिसीवेबल्स पे देते हैं या उसके ऊपर देते हैं, सेल्स के ऊपर। क्या हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने निकाल के दिया है, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन निकाला जो आप कह रहे हो। तो मुझे बताओ ये सेल्स, ये कितने परसेंट, 28800, ये मेरे पास रिसीवेबल्स हैं या सेल्स हैं, ये क्वेश्चन शो हो रहा है आप लोगों को, समझ आई है कि नहीं आई। ये फर्स्ट वाला आप जोन सा क्वेश्चन कह रहे हो ना, ये फर्स्ट वाला जोन सा आप क्वेश्चन कह रहे हो, ये वो क्वेश्चन मैंने खोल के देखा है। डिस्काउंट मुझे बताओ कि ये क्या है हमारे पास, ये सेल्स है ना, सेल्स है ना ये वाली, तो डिस्काउंट हमने सेल्स के ऊपर दिया ना, 28800 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.75। सेल्स 30 नहीं था, कहां पे सेल्स, कौन से क्वेश्चन में सेल्स 30 है, जेड एक्सवी में सेल्स 30 थी, घूमे हुए यार। अभी मैंने आपको बोला है कि वो टोटल सेल्स थी, उसमें से आपने क्रेडिट सेल्स लेनी थी, क्रेडिट सेल्स 24,000 बनती थी, और बाद में एक काम करना, ये अब एक काम करना ही मैंने पढ़ा दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज ना करो बाकियों को। मैं आपको ना इसकी रिकॉर्डिंग एक लिंक भेजता हूँ, दोबारा से क्वेश्चन करो आप लोग। इस वजह से मैं कह रहा था, आपने बोला था कि ये हो गया क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को बोला था एक दफा खुद करो, आपको खुद पता लगे, लेकिन आपने खुद ही बोला, आपने ही बोला था कि मुझे ये क्वेश्चन मूव ऑन। अब देखो वो शादी, आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी, सर कैन यू जस्ट मूव योर कर्सर टू डिस्काउंट, वो जो अमाउंट है ना 108, कैन यू जस्ट मूव योर कर्सर टू देयर, ओ इट्स 028800, ये देखो हमारे पास टोटल सेल्स थी 30 मिलियन की, 300,000 की, ठीक है। अब इसके ऊपर इसमें से कितनी थी सेल्स हमारी, क्रेडिट सेल्स 80% सेल्स थी, ठीक है, जो क्या बनती 24, ठीक है। अब अगर हम ये क्रेडिट सेल्स हमारे पास 24,000 की आ गई, लेकिन उसने बोला कि अगर आप प्रपोज पॉलिसी चूज करते हो
तो 24,000 का 20% इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपकी क्रेडिट सेल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब क्रेडिट सेल्स इंक्रीज होगी तो क्या बनेगी, 28,000। ठीक है, अब सेल्स के ऊपर वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है आपको 108 का। हाँ जी, तो ये 28,000 हमारे रिसीवल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये बात बताओ मुझे। सेल्स हैं तो रिसीवल्स पे हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चले आगे, अब मुझे बताओ कि पहले हम करंट जीरो देते थे डिस्काउंट, अब हम 75 का डिस्काउंट देते हैं, ये बताओ मुझे ये कॉस्ट है या बेनिफिट है, डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है या बेनिफिट है, कॉस्ट। ठीक है, अब देखो कि और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, देखो हमें बेनिफिट हो रहा है 46 का और कॉस्ट हमारी लग रही है 75। ठीक है, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट कॉस्ट, कॉस्ट आ गई ना हमारे पास 28 की, कॉस्ट आ गई है ना, आप बेनिफिट ले रहे हो 46 का और कॉस्ट आप लगा रहे हो 75 का, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, कॉस्ट बन गई है। तो मुझे बताओ ये कॉस्ट बन गई है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट के रिजेक्ट, हाँ जी रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे कमेंट क्या करोगे आप, दी प्रपोज्ड, दी प्रपोज्ड पॉलिसी विल इंक्रीज इन द कॉस्ट, सो हाँ जी समझ आ गया। अब आप लोगों को कैलकुलेट करना, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट समझ आ गई आप लोगों को, आप इजीली हैंडल कर लोगे, टैकल कर लोगे इस क्वेश्चन को, सब बच्चे मुझे जल्दी से बताओ। चलो अच्छी बात है, चलें आगे, बस तो नहीं होगी किसी की। अब इसकी थ्योरी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट आपको आधा घंटा और हिम्मत है पढ़ा दूं आधा घंटा और, बोलो बाकी बच्चे। शादिया शबुना आगे पढ़ना है कि नहीं, यहीं पे क्लास स्टॉप कर दें। शबुना बताओ, चलो एक उधर वैसे भी पता नहीं एक बज रहा है, 12 बज रहे हैं उधर आपके टाइम पे। चलो मैं एक काम करता हूँ कि आप लोगों को ना असाइनमेंट दे देता हूँ एक क्वेश्चन की, ठीक है, कल ये कि क्वेश्चन करके आओ, ठीक है, और कल वाला भी करके आओ जो उनसे मैंने आपको दिया था, ठीक है। कल मैंने क्या दिया था आप लोगों को, बल्कि आप लोगों ने किया ही नहीं, मैं अब आपको ये देता हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन कल करके आओ,
ठीक है, और क्वेश्चन में अभी आपको भेज देता हूँ, और वो आप लोगों ने कल करके आना, ठीक है। और हाँ, ओवर ट्रेडिंग वाला आपने किया ही नहीं है। और दूसरा ये है कि कल पहले उसका वो जो सा थ्योरी है इसकी, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट की, आप पास पेपर में जो भी क्वेश्चन सुनोगे ना, देखोगे, वो सारी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट की थ्योरी। तो थ्योरी तो हमने लाजमी पढ़नी है, ठीक है। कल फिर इंशाल्लाह इन्वेंट्री मैनेजमेंट खत्म करेंगे। और कल जो सी क्लास है ना एक, वो 11 से 1 बजे की रखी है मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की है। और जिसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना होगा तो मैं लिंक भेज दूंगा, वो ज्वाइन कर ले। अदरवाइज जो सी हमारी मेन क्लास है ना, वो शाम के टाइम ही होगी, अपने टाइम पे 7 बजे कल, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखें, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी भेज देता हूँ। हाँ, ये कल ही पढ़ाऊंगा ना, रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड नॉन रिकॉर्ड्स में कल ही पढ़ाऊंगा मैं आपको थ्योरी के अंदर ही। ठीक है, ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।